वालेकुम, दिस इज़ वर्दा शुएब एंड वेलकम टू रिवायतों की लज्जत। जहाँ बात आती है रिवायतों की लज्जत की, वहाँ पे आते हैं हमारे रिवायती जायके, हमारे रिवायती खाने जो कि हम ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कि हम खाएं, लेकिन ये तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं होता या हम खा नहीं पाते। और एक बहुत अच्छी सी सेइंग है कि वन कैन नॉट स्लीप वेल फील वेल अंटिल अनलेस ही डाइंस वेल। जब तक कि आप खाना अच्छा नहीं खाते आप अच्छा फील नहीं कर सकते। और ये बात हकीकत है कि अगर आप अच्छा अच्छा फील करना चाहते हैं तो आप डिनर अच्छा कर लें, लंच अच्छा कर लें या ब्रेकफास्ट अच्छा कर लें तो आपका दिन पूरा खुद ब खुद अच्छा गुजरता है। जो जायका होता है, जो लज्जत हमारे मुँह में रह जाती है, टेस्ट बड हमारे डिवेलप हो जाते हैं, उससे ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हम अच्छा अच्छा सा फील करने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम लेके आते हैं ढूंढ ढूंढ के नित नई रेसिपीज, ताकि हम आपका मूड अच्छा कर सकें और दिन भी अच्छा कर सकें। इसी तरीके से आज भी हम एक बहुत डिफरेंट सी रेसिपी बना रहे हैं जो कि है सिंधी माछो। अब ये माछो क्या है? सिंधी माछो बेसिकली सिंधी मछली है, जिसके लिए हमने इन्वाइट किया है हमारी कुकिंग एक्सपर्ट जो कि हैं महविश काजी। तो आइए बुलाते हैं उनको। आइए महविश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। पहली बात तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये सिंधी माछो, ये प्योर सिंधी मछली का बिल्कुल ये प्योर है। हाँ, ये सिंध में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और आपको पता है सिंधी तो मछली के दीवाने होते हैं और साथ में उसके साथ चावल। चावल तो हर मतलब हमारे घर में तो हर रात को जो ना डिनर में चावल ही बनता है। और चावल तो मैं कहूँगी कि मेरे ख्याल से हर घर में ही बनते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कढ़ाई के साथ और निहारी के साथ भी जो है वो चावल खा लेते हैं। जी जी। अब ये तो खैर चावल तो चावल है, चावल का कोई नेमल बदल नहीं है। और चाय स्टार्ट करें? बिल्कुल जी, चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा आप में पहले तो मछली, मैं आपको पहले बता देती हूँ ये मछली है, ठीक है? इसको मैंने मैरिनेट पहले से कर दिया है क्योंकि मैरिनेशन का यहाँ पे टाइम नहीं होता। हाँ, तो हमने मैरिनेट करके रख दिया है, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। अच्छा, वैसे मसाले बहुत कम नज़र आ रहे हैं मुझे, तो यही मसाले हैं, इसके अलावा भी मसाले बस मसाले तो इसमें मैंने ऐड किया है ऑलरेडी करके। जी जी जी, मैं आपको बताती हूँ फिश है, ठीक है? फिश में मैंने जो डाली है दही डाली, 100 ग्राम दही मैंने डाली है। फिश कितनी आपने? फिश ऑलमोस्ट 1 केजी है। अच्छा 1 केजी। और ये 800 ग्राम फिश फिलेज है या फ्रेश फिश है? ये फ्रेश है। कोई स्पेशल फिश बताएंगे इसे, कौन मछली है या इस तरह की कोई हीरा मछली है या? हीरा मछली की तो बात ही कुछ और है। हाँ, तो मुझे तो बहुत ज्यादा हीरा मछली ना अच्छी लगती है। तो आपने वही ली है या नहीं? ये नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है? ये दूसरी है, लेकिन ये भी बहुत टेस्ट में बहुत बेस्ट होती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मछली आप चाहें तो आप उसे बना सकते हैं? जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं, आप कोई भी लेके बना सकते, कोई भी लेके बना सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने 100 ग्राम दही डाला है, ठीक है? 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक डाला है, 2 टेबल स्पून हो गया, ठीक है? और इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है, ठीक है? हल्दी डाली है 1-1 चम्मच और साथ में मैंने डाला है जीरा, ठीक है? जीरा आपने भून के कूट के डाला या साबुत? डेफिनेटली जीरा हम भून के ही डालते अच्छा हैं। भून के डाल के अगर आप चाहें तो उसको जो है ना मतलब कूट के रख दें तो वो आप डालते रहें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। आम तो आम दिनों में खानों में इस्तेमाल होता ही है जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल जो फ्रेश एक फ्लेवर और एक अरोमा आता है ना। हाँ, वो एक लेकिन आजकल के जमाने में इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। यही तो हम गलती करते हैं, इसीलिए तो हम ये शो कर रहे हैं कि अगर आप रिवायती लज्जत चाहते हैं अपने खानों में तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे हार्डली, लेकिन उसी वक्त ही आप ताजा जब जो है मसाला पीस के डालेंगे तो आहा जी क्या बात आएगी आपके खाने की। सही बात है। चले अच्छा, इसमें मैंने ना मेथी डाली है, ठीक है? मेथी के पत्ते जो आते हैं वो डालें, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी, हाँ जो सूखी भी होती है। और साथ में मैंने साबित जो साबित क्या साबुत धनिया, हाँ साबित धनिया, साबुत, ठीक है? साबित धनिया डाला, बस यही ऐड किया और बाकी चीजें भी बिल्कुल सिंपल है। साबुत धनिया भी आपने भून के कूट के डाला? नहीं नहीं नहीं, आपने बस आप धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर कर, ठीक है? ये करके आप इसको ना आधे घंटे के लिए रख लें, ठीक है? आधा घंटा रख के और फिर इसको आप जो है ना तल लें, डीप फ्राई करें। जी, तो चलें हम स्टार्ट करें। अच्छा ऐसे ग्रेवी अलग बनेगी? जी ग्रेवी अलग बनेगी। आपने बताया कि राइस के साथ खाया जाएगा। जी जी जी, क्योंकि अगर हम राइस के साथ खाएंगे तो डेफिनेटली फ्राई तो हम नहीं खा सकते। हाँ फ्राई के लिए तो हमें फिर उसके साथ रोटी के साथ लेना पड़ता है, लेकिन हम ही थोड़ी ग्रेवी बना के और राइस के साथ खाएंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं बनाना। बिल्कुल चलें। अच्छा जी, वैसे राइस की बात ऐसी है कि अगर कुछ जो लोग खाने वाले होंगे ना वो रूखी वैसे राइस के साथ भी खा लेते हैं। सही बात, राइस तो हर किसी के साथ चलते हैं।
अच्छा जी, हमें स्टार्ट कर लिया यहाँ पे। फिश ऑलरेडी हमारी मैरिनेट हुई हुई है, एक किलो फिश है यहाँ पे। और अब हम पहले हम फ्राई कर रहे हैं या ग्रेवी बना रहे हैं? फिश भी फ्राई करेंगे और साथ में ग्रेवी भी बनाएंगे। अच्छा जी, हम साथ में फिश भी फ्राई कर रहे हैं और ग्रेवी भी। हाँ, और साथ में हमने ना चावल भी रख दिए। चावल तो हमने चावल भी मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिए हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, आपका टाइम भी ना लगे, मेरा टाइम भी ना लगे। क्विक सर्विस हम आपको दे रहे हैं। सही जी, चावल ऑलरेडी बॉयल हो चुके हैं। अच्छा, इन्होंने आपने भगारे हुए चावल यहाँ पे यूज़ कर रही है, जिसमें मैंने सिर्फ जीरा डाला है, काली मिर्च डाली और नमक डाला है बस। अच्छा, काली मिर्च पिसी है, साबुत काली मिर्च डाली है? साबुत डाली है, साबुत काली मिर्च और सफेद जीरा डाला है आपने। सही, भगा लिए चावल, जैसे नॉर्मल हम घरों में भगा लेते हैं। ओके, जब तक तेल गरम हो रहा है हम यहाँ पे ग्रेवी बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए मुझे थोड़ा छोटा सा बर्तन चाहिए होगा, आप इसी में बना लें, इसी में बना लें। हाँ, कोई मसला नहीं है, आप बना लें इसको, क्योंकि हम फिश को फ्राई करके फिर ग्रेवी में ही डालेंगे ना। जी जी जी। अच्छा, यूजली होता है ये करी जो फिश बन रही होती है आप उसी में ही बना रहे होते हैं, बट इट्स बिट, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना डिफरेंट हो जाता है। वही कहेंगे सर, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, क्यों मसाले में भूनती है उसी में पक रही होती है। लेकिन हम जब मसाला बनाएंगे ना तो उसमें ये नहीं है कि ऐड करके फिर उसको पकाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, सिर्फ उसी के हम जब चावल लेंगे तो उसी के ऊपर जो ग्रेवी डाल के और साथ में जो है इसकी सर्विंग भी थोड़ी सी अलग है, तो देखना पड़ेगा भाई क्या है। चलें जी, हम स्टार्ट करें, जब तक तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो जाए हम साथ में इसमें भी हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं, राइट? हाँ, अंदाजे से ले लें या कम ले, या जितना लेना चाहे। मैंने तो इसमें सिर्फ 30 जो है ना 30 ग्राम जो है डाल दिए। अच्छा, ठीक है। और ये दो मैंने प्याज जो है ना काट लिए थे। ठीक है, दो मीडियम साइज। हाँ, मीडियम साइज स्लाइस कर लीजिए, इसको हम ब्राउन करें। हाँ, लेकिन ये है कि ज्यादा जो नहीं पकाएंगे, गोल्डन जैसे होता है ना वैसे नहीं करेंगे। अच्छा, गोल्डन नहीं करना है। हाँ। अच्छा, ये बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत इसके साथ साथ स्टेप होता है, लहसुन अदरक भी डाल। अच्छा, साथ ही डाल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये डिफरेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि प्याज ब्राउन करके जो आप ग्रेवी बनाते हैं उसका डिफरेंट फ्लेवर आता है, प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट करते हैं उसका अलग फ्लेवर आता है। और अब ये जो है साथ में ही लहसुन अदरक डाल के प्याज को आप सौते कर रही हैं हल्का सा। चलें जी, साथ साथ जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया 2 टेबल स्पून। हमें सिर्फ इसको इतना पकाना है कि आपको स्मेल आ जाए बस, हमें खुशबू आना शुरू, खुशबू आना। ठीक है, वो भी लहसुन अदरक की। अच्छा, ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें इसको ओवर कुक नहीं करना ना, हल्का सा हमें प्याज पे ध्यान नहीं देना। जब हम बिल्कुल हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है सौते कर लें और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, देन दैट्स इट। फिर हम इसमें क्या करेंगे? बस इसमें फिर हम ऐड करेंगे टमाटर। अच्छा, हाँ। अच्छा, उसमें टमाटो पेस्ट यूज कर रही है ताकि इजीली ग्रेवी जी जी बन जाए। ठीक है, अच्छा, हमें फिश के लिए चाहिए फिश, अगर ये ऑयल गरम हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं। और हमेशा फिश जो है ना गरम ऑयल में डालनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गरम हो, अगर आप ठंडे में डालेंगे तो डेफिनेटली फिश उसके साथ चिपक जाएगी, पक जाएगी, मसाला भी जो है वो छोड़ देगी। अब देखिए इसमें से ना स्मेल आना शुरू हो गई है। सही, अच्छा, बस अब इसमें हम डाल देंगे। हाँ जी, सही। ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है टमाटर का। ठीक है, कितने टमाटर हैं इसमें? मैंने 2 बड़े टमाटर डाले हैं। अच्छा, बस हाँ। अच्छा, देखिए प्याज जैसे ही हल्की सी जो है वो कच्ची पक्की सी हुई, कच्ची पक्की सी बना, कच्ची पक्की सी हुई है और खुशबू आने लगी लहसुन अदरक की, आपने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। ऑयल आई गेस हमारा फिश के लिए भी जो है, हाँ जी, बिल्कुल गर्म होने वाला है, होने वाला है। सही। अच्छा, मुझे आप बताएं, आप महवेश कि आप घर में भी कुकिंग ऐसे ही करती हैं, आपको शौक है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल शौक है। मैं शौक के हिसाब से ही जो ना, वैसे मैंने शादी की थी तब तो मुझे कुछ बनाने नहीं आता था। ये है कि जैसे घर में आलू बना लिए या जो तली हुई चीज़ें होती हैं वही बनाती थी, लेकिन फिर शादी के बाद ही जो मैंने ये सारा सीखा है, मतलब खुद ही सीखा है। हस्बैंड आपके थोड़े से चटकोरे टाइप के हैं? है तो, लेकिन ये क्या चक्कर है? ये अक्सर ऐसा मैंने मेजॉरिटी लोगों में देखा है कि जो खवातीन या जो लड़कियां पहले शादी से पहले कहती थी हमें तो कुछ बनाना नहीं आता था, किचन से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, थोड़ा बहुत कभी कभी हम फैमिली पे एहसान कर देते थे, आलू बना लिए, दाल बना दी। लेकिन जब वो औरतें, खास तौर पे वो खवातीन जब शादी के बाद खाना बनाने पे आती हैं तो वो ऐसी पक्की किचन से चिपकती हैं कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाती हैं। ये क्या बात है? या तो फिर अच्छा, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन बस खवातीन मैंने मेजॉरिटी देखी है वो भी माशाल्लाह हर चीज़ में एक्सपर्ट, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाती है, क्योंकि वो फैमिली डिमांड शायद होती है या हस्बैंड जिनके बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं, ऐसा है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
कि आपके जरूर खाने पीने की शौकीन है, फरमाइशें होती हैं घर में? बिल्कुल फरमाइशें होती हैं, माशाल्लाह मेरा तो बेटा भी बड़ा हो गया है, 12-13 साल का है। अच्छा। उसकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं, उनकी डिमांड्स अलग हैं उनके लिए, मतलब वो लोग तो यही चाहते हैं कि पता है आपको आजकल के बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा यही है, फास्ट फूड बस इनको यही चाहिए होता है। लेकिन हम लोग थोड़े हैं कि रिवायत के हिसाब से खाते हैं कि चलो हमने मच्छी खा ली, मतलब फिश और बहुत सारी ऐसी चीजें exactly, होती हैं। ये भी जरूरी है, मछली तो मैं कहूंगी कि बच्चे तो ऐसे दूर भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लाइक नहीं करते हैं। मेरे अपने बच्चे जिस दिन घर में मछली पक जाए उस दिन घर में रोना धोना। अच्छा ये गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ना, थोड़ी सी हम फ्लेम स्लो कर देते हैं यहाँ पे, और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब तक मछली जो है वो फ्राई हो रही है और मसाला भी भुन रहा है, इस वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं जाना नहीं है, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में बन रही है सिंधी माछो यानी कि सिंधी मछली, जो कि प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं ब्रेक पे जाने से पहले। फिश फ्राई हो रही है बिल्कुल, और मसाला जो आप फिश अभी रेडी हो चुकी है। अच्छा, हमारी अभी इसको, हाँ अभी हम इसको निकाल लेंगे। जी जी जी, और ये बिल्कुल ईजी रेसिपी है, कोई इसमें नहीं है टेंशन वाली बात नहीं है, देर से बनेगी, अपने फौरन से बनानी है। सही सही, नहीं मैंने वो देखा भी आपने, अच्छा फिश जो आपने बनाई वो बहुत ईजीली बन गई। जी जी जी, एक्सेस ऑयल हम निकालेंगे। अच्छा बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं किया है आपने, क्योंकि थोड़ा सा मसाला भी उस पर कम था, बस लाइट गोल्डन ब्राउन से एक अच्छा सा कलर आ गया, और इतना इसको फ्राई कर लें लो फ्लेम पे ताकि फिश जो है वो गल जाए, प्रॉपर पक जाए अंदर से। अच्छा ये तो हमारी रेडी हो गई है, ठीक है हम दूसरी भी डाल देंगे, वो भी रेडी हो जाएगी। अब हम मसाले की तरफ चलते हैं, ठीक है सही, इसको भी हम डाल देते हैं। मसाला जो है ना उसमें हम जो डालेंगे, अच्छा अभी सिर्फ टमाटर का पेस्ट और आपने इसमें प्याज डाली थी और वो सॉफ्ट हो गई, और लहसुन डाला था। हाँ लहसुन अदरक दोनों डाले सही। आप वहाँ से भी एक स्पून ले सकते हैं, टीस्पून वहाँ पे रखे मैंने सही। ठीक है हम नमक डालेंगे, मतलब नमक भी इतना डालेंगे जितना आप लोग खाते हैं एज पर योर। हाँ ठीक है, क्या नमक वैसे कम ही खाया जाए तो अच्छा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नमक आजकल के ज़माने में कम लेना चाहिए। आजकल के ज़माने में हम जितना एहतियात करें, जितना कोशिश करें आप हेल्दी फूड पे जाएं, अपने आप को डाइवर्ट करें हेल्दी फूड पे और एहतियात से खाएं, आप फिर से अपना कोलेस्ट्रॉल फैट्स की वाली चीज़ें फ्राइड चीज़ें कम खाएँ। और ये रेड चिली, रेड चिली पाउडर कितना डाला आपने इसमें? ये हाफ टी स्पून से ज़्यादा है। अच्छा हाफ टी स्पून से, यानी कि एज पर आपकी अगर टेस्ट, अगर आप मिर्ची तेज़ खाते हैं तो आप टेस्ट। अच्छा वैसे आप मुझे बताइए सिंधी मछली है, इसमें मिर्ची तेज़ खाई जाती हैं जो मिलती है मार्केट्स में, यानी कि जो देखिए हमारे घर में तो जो है ना तेज़ खाई जाती है। ठीक है अभी मैंने इसमें तो रेड चिली डाली है लेकिन मैं ग्रीन चिली भी डालती हूँ, तो अगर हम ग्रीन चिली डालेंगे तो डेफिनेटली इसका जो टेस्ट है, मतलब जो मिर्ची का तेज हो जाएगा, तीखा और हो जाएगा। अच्छा नहीं मैं एक्चुअल रेसिपी पूछ रही हूँ आपसे, जो एक्चुअल ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें क्या मीठा मिर्ची तेज होती है? तेज होती है। हाँ जी ये जीरा पाउडर है। अच्छा ठीक है, कुछ क्रश्ड है कुछ साबुत है। आपने वही कूट लिया जैसे इसको आपने ना, ये कितना डाला आपने? हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून। अच्छा जी इसमें मिर्चें गई हैं, नमक गया है और जीरा गया है हाफ टी स्पून, और हम मसाले जब तक मैं मसाला भूनूं आपकी हेल्प करूं? जी 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 प्लीज। आखिर में ना कहीं ना कहीं हमें आ जाता है कि हम ये कर लें हम ये कर लें, वरना हमें सुकून नहीं आता। सही। अच्छा जी सब बहुत स्लो फ्लेम पे हम मसाला जो है वो इसकी भुनाई कर रही हैं। ओके, और ये इसको हमने ऐसे ही थोड़ा पानी डालेंगे इसमें कवर करना है? नहीं बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा पानी नहीं डालेगा? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही। और जब तक हम इसका ऑयल सेपरेट होने का वेट करेंगे, थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और फिर इसको हम डिश आउट कर देंगे। अच्छा दैट्स इट, बस इतनी सिंपल रेसिपी, बिल्कुल सिंपल है और तो बहुत क्विक बनने वाली है भाई। बिल्कुल सर, देखिए हमें लगता है कि हमारे जो रिवायती खाने हैं वो बहुत मुश्किल है बनाना, और पता नहीं क्या डलता होगा, क्या क्या डलता होगा, कौन बनाए छोड़ो, लेकिन आप देखें हम जितने भी यहाँ पे रिवायती खाने बना रहे हैं वो बनाना बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, बहुत क्विक है। और आजकल के दौर में जहाँ पे हम ये बात कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी स्केड्यूल है, लेकिन आप इजीली बना सकते हैं घर में। इससे ज़्यादा टाइम तो हमें बिरयानी और दही वगैरह बनाने में लग जाता है। बिल्कुल
अच्छा, बाकी जो पीसेस थे रिमेनिंग फिश के पीसेस थे वो भी आपने जो है वो इसमें ऐड कर दिए। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल, इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम स्लो है, सही है जी। जब तक हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, हम एक और ब्रेक पे चले जाते हैं। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि मसाला कहाँ तक पहुँचा और कैसे फिश फ्राई हो गई। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में हम बना रहे हैं आज महविश के साथ सिंधी माछो। अच्छा महविश, अच्छा फिश हम फ्राई कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। फिश फ्राई हो गई है, देखें गोल्डन ब्राउन सा लाइट कलर आया है, बहुत डार्क ब्राउन कलर नहीं दिया है इसको। और वहाँ पे मसाला भुन रहा है, मसाले की क्या रिपोर्ट है महविश, आप मुझे बताएं। मसाला बिल्कुल पक गया, बस अब इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे हम। अच्छा ठीक है, फिर ग्रीन चिली ले ली। साबुत ऐड कर रही हैं आप? अच्छा बिल्कुल, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रह रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, जी, ग्रीन ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा महविश मुझे आप बताइए, रेसिपी आपने कहाँ से सीखी? कि आप कह रही हैं कि एक्चुअल ये सिंध की डिश है, और एक्चुअल ये हाँ जी, ये जो मेरी ना नानी बनाती थी, फिर मेरी अम्मी बनाती थी, उन्हीं से मैंने सीखी है। ठीक है, और अब मैं भी बनाती हूँ और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और टाइप की जो मैं फिशेस बनाऊं तो वो नहीं खाते। अच्छा। ये मैं बनाती हूँ तो ये खा लेते हैं। अच्छा, मसाले भी बहुत कम लगे हैं क्विक बनने जी, वाली जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा, और आपकी नानी का ताल्लुक सिंध से था? बिल्कुल सिंध से है जी, बिल्कुल सिंधी है। जब भी तो हमें एक्चुअल सिंधी रेसिपी जो है वो मछली की मिल रही है। बस ये भी अब रेडी हो गया है रेडी, अब हम डिश आउट करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से होती है या बस बिल्कुल वैसी नॉर्मल आप राइस के साथ सर्व कर? हाँ जी बिल्कुल, आप जैसे प्रेजेंटेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं तो अपने तरीके से दूंगी जैसे अच्छा। मुझे अच्छा लगता है। तो जिनको जिसको जैसे जैसे अच्छा लगता है वो वैसे ले सकते हैं। बस अब इसमें कितना टाइम है? बस ये पक गया है, ये पक गया। हाँ, डिश आउट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जब तक हम जो है हमारी रेसिपी को डिश आउट करते हैं, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। सिंधी माछो, अज्जा, तेल 3 खाने के चम्मच, मछली 1 किलो, दही 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटा जीरा 2 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया आधा चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद दरमियानी, टमाटर 2 अदद, नमक हसबे जायका। तरकीब, मछली के गोश्त को दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा जीरा, कसूरी मेथी और साबुत धनिया और नमक लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर मछली को डीप फ्राई कर लें। मछली का मसाला बनाने के लिए पैन में प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और भून लें, और टमाटर का पेस्ट शामिल कर लें और पकने दें। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च और जीरा शामिल करके तेल अलग होने दें। तली हुई मछली के ऊपर मसाला शामिल करें और चावलों के साथ पेश करें। जी जनाब, रेसिपी कार्ड जो है वो नोट कर लिया होगा आपने, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी रेसिपीज, ऑथेंटिक रेसिपीज आपको और कहाँ मिलेंगी हमारे शो के अलावा, कहीं नहीं, तो आप मिस नहीं कर सकते। और ये देखें जनाब, प्रेजेंटेशन किस तरह से हो रही है सिंधी माछो की। एक साइड पर उन्होंने राइस सर्व किए, मैं ये हटा दूँ ताकि आपको राइस और चाहिए होंगे अभी? नहीं अभी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, आपने इसलिए कोशिश करें बड़े बड़े पीसेस लिए हैं फिश के ना। अच्छा, इसमें बड़े बड़े फिश ज़्यादा बेहतर इजी रहते हैं ना, कि आप आराम से खा सकते हैं, मतलब मछली में कांटों का बड़ा चक्कर होता है। सैलेड से इसको हम लेमन लेमन भी डालेंगे। मछली और लेमन का कॉम्बिनेशन एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली, गार्निशिंग आप करते हैं जैसे आपको अच्छी लगती है अपने हिसाब से। और अभी इसमें हम वो ग्रेवी भी डालेंगे ऊपर से? जी बिल्कुल, ग्रेवी भी आएगी जी। तो एक बहुत अच्छी सी आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है, और आसान ही है बनाना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसको मैं वहाँ ले आऊँ प्लेटर को, ताकि आप इजीली निकाल सकें ग्रेवी। ओके जी। जी, इसकी प्याज की और टमाटर की टिक से जो ग्रेवी बनाई थी वो हमने इसके साथ ही सर्व कर रहे हैं। अब इट्स अप टू यू, आपको जिस तरह ज़्यादा खानी है ज़्यादा ले, ज़्यादा खानी है ज़्यादा नहीं, कम लेनी कम ले, कम कोई मसला नहीं। हाँ, आपके अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से। दैट्स सो इजी, सिंपल, और दिखने भी कितनी खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रही है। लुक, ओके, दिस बहुत अच्छी कलरफुल सी लग रही है। और ये डन है, रेडी है। चलें जी, फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने तैयार है। थोड़े से हम ट्रांजिशन करेंगे।
धनिए के साथ। अच्छा जी, धनिए के साथ हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे और हमारी सिंधी माछो जो है वो तैयार है। ये देखें जनाब, आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे इसको और अपना फीडबैक देके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दूसरी बात, कितना टाइम लिया, जो हमेशा हर कोई कहता है ना कि यार हमारे पास रिवायती खाने बनाने का टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं है जनाब। हमारा शो देखिए रिवायतों की लज़त, उस पर हम आपको सिखाएंगे कैसे आप रिवायती खाने बहुत आसानी से और क्विकली बना सकते हैं। थैंक यू सो मच महवेश, आपने अपनी नानी की रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर करी और इतनी रिवायती रेसिपी और बहुत ही मज़े। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे शो पे आई। और इसी के साथ ही आपका भी थैंक यू कि इतना रेगुलरली आप हमारा शो जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स जो दे रहे हैं हमें पता चल रहा है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रेसिपी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपकी फैमिली की रेसिपी है या आपने अपनी सास से, आंटी से, खाला से, फूफो से सीखी है, नानी से सीखी है, वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए, हम आपको इन्वाइट करेंगे अपने शो पे। इसी के साथ ही आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। ऑफ कोर्स टिल देन टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड ईट गुड फील गुड। अल्लाह हाफिज़।